द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। ये बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसके कुछ उद्देश्य हम लोगों ने बना रखे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक टारगेट लेकर परीक्षा का सामना नहीं करेंगे, परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, तो हमारा क्या है, सिलेक्शन होने की चांस थोड़ा कम रह जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि गणित हमें भैया क्या करना है, सीखना है, रट्टा नहीं मारना है और जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जादू दिखाते हैं, तो आपको गणित में जादू देखना नहीं है, बशर्ते क्या करना है भैया, गणित को सीखना है, ठीक ना। तो आप अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक अगर साथ में बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि जो गणित के में सुपर टेट में आपका गणित का पेपर होता है तो वो 20 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 20 नंबर में गिरी से गिरी हालत में आपको 15 नंबर लाना ही है। ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमें गणित नहीं आती है, गणित हमारा कमज़ोर है, ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। गिरी से गिरी हालत में आपको 15 नंबर लाना ही है और गणित में अगर आप थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हैं तो 20 में से 20 का टारगेट बनाकर चलिए। और हमारा तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आप 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। अगर मौखिक ना कर पाएं तो 1-2 लाइन में ही इसका आंसर हमें निकाल लेना है अथवा विकल्प के माध्यम से ही हमें अपना आंसर निकाल लेना है। तो ये 3 उद्देश्य आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इन्हें अगले 3 से 4 महीने में हमें प्राप्त कर लेना है। आप साथ में बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें वो आप नोट कर लीजिएगा, जो नई चीज़ें मिलें उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। यहाँ पर जो 59 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं ये पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है, आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। ये वाला प्रश्न भी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न यानी 61 नंबर के प्रश्न पर। चलिए बढ़िया, प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। एक पहिए की त्रिज्या कितनी दी गई है भैया, यहां पर दी गई 35, यानी कि जो त्रिज्या होती है आर, आर की वैल्यू दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वह 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो जो चक्कर होता है, जो पहिया आप लोग देखे होंगे, साइकिल का पहिया हो या मोटरसाइकिल का पहिया हो, उसको देखा होगा, तो जो एक चक्कर जो होता है ना उसका भैया, एक चक्कर जो होता है उस पहिए की परिधि के बराबर होता है। तो पहिए का एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है और परिधि की वैल्यू होती है 2πr, ये एक चक्कर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम सी इसमें वैल्यू रखें, 2π की वैल्यू होती है 22/7 और आर का मान दिया गया है कितना 35, ये एक चक्कर की बात हो रही, एक चक्कर में पहिया कितनी दूर चलेगा वो उसकी परिधि के बराबर होता है। तो एक चक्कर में दूरी आ गई 2πr, मान हम रख दिया तो 2×22/7 और हो गया 35। अब हमें निकालना, एक चक्कर नहीं निकालना बल्कि 10 चक्करों में कितनी दूरी चलेगा ये निकालना है। तो इसी में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो हमारे 10 चक्करों में कितनी दूर पहिया हमारा जाएगा ये हमें निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि एक चक्कर की दूरी होती है 2πr और 10 चक्कर का निकालना है तो हमें 10 का गुणा कर देना है। तो ये हो गया 7 पन्ना कितना हो गया 35 और 5 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 10, तो ये 22 रहेगा और यहाँ पर 10 होके 2 जीरो बढ़ा है यानी कि 2200 आपका सेंटीमीटर आंसर रहेगा। कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो नॉर्मल प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात आपकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में एक ट्रिक भी काम होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी कभी कोई टीचर समझाते, अच्छा उसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने पाई का मान रखा है, पाई का मान रखा है कितना 22/7, ये जो 22 होता है ना भैया 11 से कट जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपका वही, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, वही विकल्प सही होगा जो 11 से विभाजित हो। तो अगर
किसी प्रश्न में ये पाई की वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका भी समझ लीजिए कि पाई की वैल्यू आ रही है जिसका मान है 22/7 और 22 जो होता है 7 से विभाजित हो जाता है, तो आपका वही विकल्प सही होगा जो 11 से विभाजित हो जाता है। तो पहले विकल्प में 11 से कट जाएगा, इसलिए हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा, तीसरा और ये डी वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से नहीं कट रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 जो होता है वो 2 से कट जाएगा 11, लेकिन 11 हमारा विकल्प में कहीं ना कहीं रहेगा। तो बात समझ में आ, अगर कैलकुलेशन ना करनी हो तो कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो रही है, इस तरीके से भी हम प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, जब डिटेल में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आपका वृत्त वाले प्रश्न आएंगे वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न में एक चीज़ सीख लीजिए, आपको पहले भी कराया जा चुका है कि जैसे अगर x की वैल्यू हो x+1/x, ऐसा कहीं दिया गया हो 2, x+1/x 2 दिया गया हो, तो उसको रख लीजिए। इस कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आपका पहला फार्मूला रख लीजिए। दूसरा फार्मूला क्या है कि जब x+1/x की वैल्यू दी गई हो -2, तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू होती है -1। इन दो फार्मूलों को रख लीजिए, ये बीजगणित के दो कॉन्सेप्ट हैं। जब x+1/x की वैल्यू 2 है तो उसकी x की वैल्यू होती है 1, यानी पूरे समीकरण में x का मान 1 रहेगा। जब x+1/x की वैल्यू -2 हो तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू -1 होती ही है। इसमें क्यों होती है इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन आपको देखो दी गई है, यानी कि इस कंडीशन में x की वैल्यू हमें निकल के आ गई -1, आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए अब x का मान रख देते हैं। x का मान कितना है, -1, तो -1 की घात कितना हो गया, 5, -1 और -1 की घात कितना हो गया, 5, इसका मान निकालना। अच्छा चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी प्रश्न में -1 की घात हमारा सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या, तो ऐसी कंडीशन में आंसर 1 आता है। जब भी प्रश्न में -1 की घात विषम संख्या हो तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो घात आता है वो -1 आता है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए कॉपी पे कि -1 पर अगर कोई सम संख्या घात में है तो उसका आंसर 1 आएगा, -1 पर कोई विषम संख्या घात में है तो उसका आंसर -1 आता है। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो प्रश्न लिखा गया है उसमें कौन सी संख्या है, इसमें ये 5 है, 5 कौन सी है, विषम संख्या है, तो -1 पर विषम संख्या घात है तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, -1 ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पर भी -1 की वैल्यू -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया -1, ये -1 हो गया प्लस, एक का एक में भाग देंगे एक ही आएगा, +1 -1 हो गया कितना, 0, कहाँ है विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न तो बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आपको तीन चीज़ें समझना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉपी पेन लेकर इसको नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो भैया, यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है ये तो भैया कक्षा 6 का प्रश्न है, तो इसको हम नहीं समझाएंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को बार बार हम लोगों ने बताया है कि जब अगर आप लोगों को बेसिक मजबूत करना है तो कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं, जो प्राइमरी स्कूल में और जूनियर स्कूलों में चलती हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिस स्कूल में आप पढ़ाने वाले हैं उसी में जो सरकारी किताबें चलती हैं उसको आप पढ़ लीजिए, इससे आपके आराम से 15 नंबर बन जाएंगे। अब एनसीईआरटी की किताबें आ रही हैं, लेकिन अभी स्कूल में एनसीईआरटी किताबें पहुंची नहीं हैं, तो पिछले साल की किताबें या उससे पिछले साल की किताबें अगर सरकारी वाली मिल जाएँ तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से आपका 15 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। इसके बाद आप कक्षा 9 और कक्षा 10 भी अगर पढ़ लेते हैं तो 20 में से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये बेसिक मजबूत करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एसडी यादव खरीद के लाएंगे, आरएस अग्रवाल खरीद के लाएंगे या और कोई बुक खरीद के लाएंगे तो उसमें क्या है, इतनी मोटी बुक आप देखेंगे पहली बार और फिर उसको लगाएंगे तो आप 2-4-10 दिन जोश में लगा लेंगे, उसके बाद क्या होगा भैया, बुक को बंद करके रख देंगे। तो बेसिक आपको यहाँ से मजबूत कर लेना है, ठीक है, और बाकी हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं और चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, तो सब कुछ आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, परेशान ना रहिएगा। लेकिन बेसिक के लिए ये किताबें आप अपने पास रख लीजिएगा,
आपके आसपास में जो भी स्कूल होगा वहां से जाके मांग लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्डन फंड हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप कर लेना है। लेकिन अगर हम इसी प्रश्न को विकल्प के माध्यम से सॉल्व करना चाहें, यानी कि जिसको हमने कहा था कि आपको 5-6 प्रश्न 7 प्रश्न 8 प्रश्न मौखिक करना है, तो कैसे करेंगे? क्या करिए, जो आपके ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं उसकी वैल्यू आंसर में रखिए। अगर 0 आ जाता है तो फिर हमारा वो आंसर होगा। जैसे कि अगर पहला विकल्प हमारा 1 है, एक्स की वैल्यू 1 रखें, तो एक्स गुणे यहाँ आप एक्स की वैल्यू 1 रखें, अच्छा चलिए रख ही देते हैं, इसका वर्ग करेंगे और प्लस के 1 करेंगे और माइनस के 7 करेंगे, 6 और 1 का वर्ग करेंगे, 1 ही आएगा, 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 + 1 - 1 बराबर कितना हो गया भैया, 0। देखिए 0 आ गया, पहले ही विकल्प से आपका 0 आ गया, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो आप विकल्प के माध्यम से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका विकल्प दिया गया है वो एक्स के मान हैं और उसको आप इस समीकरण में रखिए, अगर 0 आ जाता है तो यानी कि वो विकल्प आपका सही है। तो हमने पहले विकल्प से चेक किया, पहले विकल्प से ही 0 आ रहा है, इस प्रकार हमारा पहला विकल्प सही है। तो इस प्रकार के गोल्डनखंड वाले जो आपके प्रश्न होते हैं उनको आप विकल्प से भी कर सकते हैं, अथवा इसका गोल्डनखंड आप लोग जानते ही हैं, कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वहाँ से कर लीजिए। गोल्डनखंड का तरीका हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, विकल्प के माध्यम से प्रश्न को हमने यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 4 शेष रह जाता है और 6, 9, 15 से विभाज्य किया जाता है, वह संख्या क्या है? अच्छा चलिए, इसको भी हम लोग कैसे करते हैं भैया, कोई पहले विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और बाद में क्या करेंगे भैया, इसका बेसिक मेथड बताएंगे। तो यानी कि मौखिक इस प्रश्न को अगर हमें सॉल्व करना है, विकल्प का मतलब होता है मौखिक, ठीक है, तो मौखिक अगर हमें प्रश्न को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, एलसीएम लेने लेकर कैसे सॉल्व करेंगे उसको बाद में बताएंगे, पहले विकल्प के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसके कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको अगर हम इस 8 से विभाजित करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, इस प्रश्न का ये मतलब है। लेकिन अगर हम 6 से 9 से 15 से और 18 से विभाजित करें तो हमारे हर कंडीशन में 4 शेषफल बचेगा। बात समझ में रहे हैं, ये ए बी सी डी आपके 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इस प्रश्न के कहने का मतलब यही है कि अगर इन 4 विकल्पों को हम 8 से विभाजित करें तो पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विभाज्य, विभाज्य मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं 4 विकल्पों को हम 6, 9, 15 और 18 से भाग करें, इन चारों संख्याओं से अलग अलग भाग करें, तो प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो हमें वो विकल्प लेकर चलना है जो 8 से कट जाए, ठीक है। देखिए 8 से 180 के कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो सकता है। इस 8 से 184, 8 × 16, 8 × 24 ये भी कट जाएगा, यानी कि बी भी हमारा आंसर हो सकता है। 8 से 98, 8 × 8 और 8 × 16 ये नहीं कटेगा, 98 हमारा 8 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 8 से 364 पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा भैया, 8 × 24, 8 × 32, 4 बचेगा, 44 ये भी नहीं कटेगा, तो हमारा ये आपका डी वाला विकल्प भी हमारा यहाँ पर सही नहीं रहेगा। तो अगर हम 8 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी इसे चेक करें, तो विकल्प ए और विकल्प बी हमारा आंसर हो सकता है, और सी और डी 8 से नहीं कट रहे हैं इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब चलिए अब दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि हम इन्हें 6 से 9 से 15 से और 18 से भाग करके देखेंगे, और फिर ये 4 बचना चाहिए। तो 6 से जब 180 में भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा नहीं, 6 × 18 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 6 से जब 184 में भाग करेंगे तो 6 × 18 4 से बचेगा, 9 से करेंगे 9 × 18 इसमें भी 4 से बचेगा, इस 15 से करेंगे तो भी 4 शेष बचेगा, 18 से करेंगे तब भी आपका 4 शेष बचेगा, यानी कि कहने का मतलब विकल्प बी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है, इस प्रकार विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को आपने मौखिक सॉल्व कर लिया, कोई गुणभाग नहीं किया, बस 8 से एक बार कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी उसको चेक किया, उसके बाद जो बचा जो विकल्प बचे उसमें 6, 9, 15 और 18 का भाग करके देखा क्या वहां पर 4 शेष बच रहा है, जिसमें 4 शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो कॉमन तरीका होगा, मौखिक तरीका। अब इसको क्या करिए भैया कि
जो आपका बेसिक मेथड है उससे भी सीख लीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए आपको 6, 9 और 15 और 18 इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालना आता ही होगा, हम इसकी बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि बड़ी संख्या 18 है, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये संख्याएं किससे कटती हैं अथवा नहीं कटती हैं। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें से जो कॉमन तरीका होता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, जिससे 18 से नहीं कटेगा, इसलिए 18 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 18 × 36, 15, 9, ये बाकी की तीनों संख्याएं उससे कट जाना चाहिए। 36 भी नहीं कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, 18 × 5 = 90, 90 ऐसी संख्या होगी जिससे 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो इन तीन संख्याओं का एलसीएम 90 आएगा। इसको दूसरा तरीका भी होता है एलसीएम निकालने का, जो कि बेसिक मेथड गुणनखंड मेथड वाला होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 90 नहीं होगा, आंसर में क्या होता है 4 शेष बच जाए, तो आंसर में जो आपका 90 आया है इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो क्या 94 आपका विकल्प कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 94 हमारा आंसर नहीं है। तो क्या करिए, इस 90 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 180। अब 180 में 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि जो 4 शेष बचता है ना उसको हमें जोड़ कर लिखना होता है, तो 184 यहाँ कितना है 184। क्या आपके किसी विकल्प में 184 दिख रहा है, तो हाँ भैया दिख रहा है विकल्प, तो 184 आपका आंसर मिल जाएगा। अगर 184 भी आपको नहीं मिलता विकल्प में तो क्या करते, इस 90 में 3 का गुणा करते, तो 9 × 18 कितना होता, 9 × 27, 9 × 27 में फिर 4 जोड़ते तो कितना होता 274 होता, 274 यहाँ पर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो ये आपका 274 आंसर नहीं होता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ये एलसीएम आता है, या तो यही इसमें 4 जोड़कर आपका आंसर आ जाएगा, अगर ये 4 जोड़कर आपका आंसर नहीं आएगा तो उस कंडीशन में 2 का गुणा करिए, फिर उसमें 4 जोड़िए, देखिए आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, अगर नहीं मिलता 3 गुणा करिए। तो उम्मीद है ये जो तरीका है उसको आप समझ रहे हैं, दोनों तरीके आपको बता दिया गया है। एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं प्रश्न को, अथवा मौखिक भी कर सकते हैं प्रश्न को। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बहुत मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, चलिए कन्फ्यूज नहीं होना, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गया ना तो प्रश्न हो जाएगा गलत। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 4 है, 10 है, 16 है, 22 है और 28 है और फिर 34 है और फिर डॉट 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 लगा के यहाँ पर लिख दिया गया है 118 और कितने पद हैं 20 पद हैं। तो ये वाला जो है ये 20वें नंबर पर है और ये वाला जो है ये पहले नंबर पर है। ठीक है, अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अगर इसमें टोटल 20 हैं, 20 नंबर हैं, तो अगर हम पीछे से चलें तो पीछे से हमें यहाँ से चलें तो यहाँ से जो 12वें नंबर पे होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहीं पर समझ लीजिए, आपको मौखिक प्रश्न सॉल्व करा देते हैं, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, फार्मूला भी बता देंगे अभी, लेकिन पहले मौखिक ही प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब पीछे से चलना है, देखिए ध्यान भैया ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा, यहीं पर गलती होगा, कॉमन सेंस की बात है, कोई यहाँ पर गणित का बहुत बड़ा फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है। जब पीछे से चलेंगे तो हमें 12वें नंबर पे क्या मिलेगा ये हमें निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, 11 पद हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, अब कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 पद हैं, तो 8 इधर हैं, आगे 11 इधर हैं, 12वें नंबर पे ये है, तो ये आगे से कौन से नंबर पे रहेगा, आगे से 9वें नंबर पे रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि जो हमें पीछे से 12वें नंबर वाला होगा वो आगे से 9वें नंबर पे रहेगा, क्योंकि अगर ये 12वें नंबर पे है तो उसके पीछे 11 पद हैं, और यहाँ पर अगर हम 8 तक चलेंगे तो 11 8 हो जाएगा 19, 20वां वाला पद जो होगा 12वें नंबर पे पीछे से और आगे से 9वें नंबर पे रहेगा, यानी कि आगे से हमें 9वें नंबर वाला पद निकालना है। ये चीज़ समझ में आ गई, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको दोबारा इस प्रश्न को बता दिया जाएगा। अब इसी को संख्या को इस जो आपका समीकरण बनाया है, जो आपका सीरीज बनी है, इसी क्रम से फिर आगे लिख देते हैं। देखिए 4 से 10 कैसे आया,
चार से दस आया है जब उसमें छः जोड़ा गया, ठीक है। दस से सोलह कब आया, जब उसमें छः जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं छः छः जोड़ कर ये लिखा गया है, तो छः छः जोड़ कर लिख लो ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठवां है। सातवें नंबर पर क्या होगा, छः जोड़ दो चालीस। आठवें नंबर पर क्या होगा, छः जोड़ दो छियालीस। नौवें नंबर पर क्या होगा, छः जोड़ दो बावन। नौवें नंबर वाला ही तो निकालना था, कहाँ पर है, विकल्प बी में है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसमें आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं तो फार्मूला लिख लीजिए, टी एन, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और इनटू कितना है, कितना है यहाँ पर डी। आपको कौन सा पद निकालना है, शुरुआत से नौवें नंबर वाला निकालना है, यानी टी नाइन की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एन, जो एन की वैल्यू होगी टी नाइन, यानी एन की वैल्यू होगी वो नौ निकालना है। शुरुआत से नौवें नंबर वाला पद आपको निकालना है। इसमें पहले नंबर पर क्या है, चार है, और ए हमारा प्रथम पद होता है, डी होता है सार्वंतर, अंतर कितना है, छः छः का अंतर है। तो इसको कहाँ लगाएं, इसको चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो टी एन बराबर होता होगा चार, एन की वैल्यू नौवें नंबर वाला निकालना है, एन की वैल्यू नौ है, ठीक है, नाइन माइनस वन, यहाँ प्लस का निशान लगाओ, और डी की वैल्यू कितनी है, छः, चार प्लस नौ में से गया आठ गुणे छः, आठ छः अड़तालीस, तो चार कितना हो जाएगा भैया, बावन, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको प्रश्न को बता दिया गया है, मौखिक तरीके से भी आप सीधे छः छः जोड़कर आप बावन तक पहुँच सकते हैं, और या तो आप फार्मूला लगा दीजिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर नौवें नंबर वाला पद निकालना है, इसलिए आप एन की वैल्यू नौ रखिएगा, ये एन की वैल्यू यहाँ पर बीस मत रख दीजिएगा, जो कि यहाँ पर आपके प्रश्न में लिखी गई है। बीस से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें नौवें पद से मतलब यहाँ पर है, ठीक। तो बढ़िया प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है, उस कोण का मान ज्ञात करिए। अब ऐसे प्रश्न में तो पेन उठाना नहीं है, ये प्रश्न आ जाए पेन नहीं उठाना है, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 हो, उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक कोण है और फिर उसका दोगुना है, दोनों को जोड़ दो तो 90 अंश होना चाहिए, तो उस कोण का क्या मान होगा। तो अगर पहला कोण 90 है, इसका दोगुना कितना होगा, 180 होगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा, कभी नहीं आएगा यार। अगर हमारा पहला कोण हम 60 मान लें, विकल्प के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करना आपको बता रहे हैं, तो पहला कोण अगर 60 मान लें तो यहाँ पर लिखा दोगुना, इसका दोगुना कोण कितना होगा, 120 होगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 90 हमें क्या चाहिए, पूरक कोण चाहिए। पूरक कोण का क्या मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। इसी प्रकार सी वाले विकल्प में देखो, पहला कोण अगर 45 है तो इसका दोगुना कितना होगा, 90 होगा। जोड़ने पर 90 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये 90 से ज़्यादा ही हो जाएगा। और डी वाले विकल्प को देखो, अगर पहला कोण 30 है, इसका दोगुना कितना होगा, 60 होगा। क्या जोड़ने पर 90 आ रहा है इन दोनों को, हाँ, इन दोनों को जोड़ दो तो 90 आ रहा है, यानी कि आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो मौखिक प्रश्न है, गुणा भाग करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक्स, कुछ लोग क्या करेंगे, पहला कोण एक्स मानेंगे, फिर दूसरा कोण टू एक्स मानेंगे, फिर यहाँ पर 90 करेंगे, फिर यहाँ 3x करेंगे, फिर यहाँ पर 90 करेंगे, फिर यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 30। इस ये फालतू काम करने से क्या फ़ायदा, सीधे विकल्प देखो और आंसर निकालो। यहाँ पर हमने ए बी सी विकल्प को हल किया है, लेकिन आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर हल भी ना करो, कुछ भी ना लिखो, तो भी आपको पता है कि 90 का डबल करेंगे या 60 का डबल करेंगे या 45 का डबल करेंगे, जोड़ने पर भी 90 नहीं आएगा। देखने से ही इसका आंसर विकल्प डी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की माप 3, 4, 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे जो आपके सारे प्रश्न हैं, इसमें जो फार्मूला यूज होता है, फार्मूला आप ये लिख लीजिए, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी, और यहाँ पर एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी ये आपकी भुजाएं होती हैं, और एस क्या होता है, अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर दो, वही हमारा अर्धपरिमाप होता है। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपके विकल्प क्या दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न की जो त्रिभुज में भुजाएं हैं वो 3, 4, 8 हैं। आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं, इसको आप कॉपी पेन लेकर कर बैठे हैं तो नोट करिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका जो टोटल होता है, योगफल होता है, वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होता है। अगर ऐसा है तो हमारा त्रिभुज बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल
तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो भुजाएं दी गई हैं उनमें आप देखिए तो तीन और चार को जोड़ देंगे तो कितना रहा, सात। तो हमने कहा कि दो भुजाओं को जोड़ने पर जो आता है वो तीसरी भुजा यानी कि आठ से बड़ा होता है, लेकिन ये तो आठ से छोटा आ रहा है, सात आ रहा है। ऐसी कंडीशन में त्रिभुज हमारा बनेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर हल संभव नहीं है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप कहें जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाएं कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा दो है और एक अगली भुजा तीन है और अगली भुजा यहाँ पर कितना है भैया, अगली भुजा यहाँ पर सात है, क्या इससे त्रिभुज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं को अगर जोड़ दो तो होता है पाँच। तो दो भुजाओं को जोड़ने पर हमेशा उसका मान तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पाँच, दो भुजाओं को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो छोटा आ रहा है, इसलिए इससे कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी इन तीनों तीन चार और पाँच और तीन चार और आठ सेंटीमीटर का मान लेकर त्रिभुज आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो तीसरी भुजा से छोटा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को आप सभी लोग कॉपी पर नोट करिए। देखिए इसको कहां से समझाएं, यहां से पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, और ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब इसके किनारे किनारे क्या बना है, चक्र बना है, यानी कि ये गोले के अंदर है। तो गोला हम लोग चलो बाद में बना देते हैं, पहले नहीं बनाया तो बाद में यहाँ पर हम लोग गोला बना देते हैं। ये गोला बढ़िया नहीं बन रहा है, ओह सॉरी ये कहाँ चला गया। ठीक है चलो आप लोग इतना समझ जाओगे कि भैया ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है पहले वृत्त बनाओ और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाओ। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो पहले हमने उसका उल्टा कर दिया है कि वृत्त चतुर्भुज पहले बना लिया है और फिर वृत्त बाद में बनाया। तो इसके तीनों जो चारों कोने हैं कोनों को टच करना चाहिए। तो देखिए चारों कोने टच हो रहे हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं बना है, तो लेकिन आप लोग कॉपी पे बढ़िया से बनाइएगा। ए बी सी डी इसके नाम हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है। ए बी बराबर पाँच दिया गया है, तो ये पाँच सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी, बी सी आपका चार सेंटीमीटर दिया गया है। डी ए आपका छः सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सी डी का मान नहीं दिया है। सी डी का मान प्रश्न में नहीं दिया गया है, गायब है, मिसप्रिंट है। तो सी डी का मान लिख लीजिएगा तीन सेंटीमीटर। सी डी कितना भैया, तीन सेंटीमीटर। तो सी से डी क्या है, तीन सेंटीमीटर। ये आपकी भुजाओं की वैल्यू दी गई है। आपको निकालना है विकर्णों का गुणनफल निकालना है, यानी कि विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण ए से सी मिला दो ये विकर्ण हो गया, और डी को बी से मिला दो ये हमारे विकर्ण हो गए। इसको हम लोग डी वन मान लेते हैं, इसको हम लोग डी टू मान लेते हैं। तो विकर्णों का गुणनफल आपको निकालना है, यानी कि डी वन गुणे डी टू निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब भी चक्रीय चतुर्भुज में आपको विकर्णों का गुणनखंड निकालना हो तो क्या करिए, ये जो समांतर भुजाएं, ये जो आपकी भुजाएं हैं आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि ए बी, और कौन सी है इसकी सामने की भुजा, कौन सी है, डी सी, इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। ए बी का, ए बी का गुणा किस में कर दीजिए, डी सी में, और फिर और सामने की भुजाएं कौन सी हैं, बी सी हैं, और इसका गुणा कर दीजिए, इसके सामने की कौन सी भुजा है, ए डी है, इसका गुणा करके आपस में जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो ए बी कितना भैया, पाँच है, और डी सी या सी डी कितना भैया, तीन है, और प्लस में बी सी, बी सी है आपका चार, और ए डी आपका है छः। इसको कितना हो जाएगा, पाँच तीन पंद्रह, और ये हो जाएगा चौबीस, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा उनतालीस। तो आपके विकर्णों का गुणनखंड कितना होता है, यही आपका उनतालीस सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है क्या करना है।
अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनखंड निकालना है तो जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनको गुणा कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ए बी का डी सी में और बी सी का ए डी में हमने गुणा किया और गुणा करके जोड़ दिया है, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि ये हमारी आमने सामने की भुजाएं, ये हमारी आमने सामने की भुजाएं हैं, इनका गुणा करके आपस में जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होता है, विकर्णों का गुणनखंड होता है। तो डी वन गुणे डी टू बराबर आ जाएगा कितना भैया, विकल्प सी 39। 39 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या जल्दी समझा रहे हो या धीरे समझा रहे हो, जो कुछ भी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि धीरे जब आप लोग बताएंगे तभी यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर सरलीकरण करना है तो ये जो का मतलब होता भैया गुणा, तो का मतलब होता है गुणा, इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, लेकिन ये ब्रैकेट लिखा है तो इस ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7.4 में से 3.4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 4, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब प्रश्न को उतारते हैं, 10.5 माइनस के 4 गुणे 0.3, और ये अलग संख्या है, ये वाली संख्या जो है ये अलग है, ठीक है, प्लस का निशान लगा के ये अलग से लिखा गया है, तो जब अलग से लिखा गया है तो इसका यहीं पर आपस में आप गुणा कर लीजिए। तो इसका अच्छा गुणा करना तो आपको पता है ना, इसको 28 मान लीजिए, इसको 44 मान लीजिए, गुणा करेंगे तो 1232 आएगा। यहाँ पर ये दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी कुल मिला के दशमलव के बाद दो संख्याएं हो गई, तो पीछे से दो अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ये आपको करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.32, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जी हाँ हो जाएगा, 4 का 3 गुणा करेंगे, 4 3 12, और दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी कि यहाँ पर दशमलव और प्लस की 12.32। पहले क्या करिएगा, 10.5 में से 1.2 घटा लीजिएगा, फिर जो आएगा उसमें 12.32 इसको जोड़ दीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते रहें क्योंकि घटाना और जोड़ना ये सब आपको ही करना है, तो 21.62 आपका आंसर रहेगा, यानी कि पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आसान है। और ये सरलीकरण का जो प्रश्न आप कर रहे हैं, एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा, तो इस प्रकार के नॉर्मल प्रश्न करिए और उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल के प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए। जॉन के कमरे का फर्श, ये प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, टाइल्स की जरूरत क्या होगी, कितने टाइल्स की जरूरत होगी ये निकालना है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न में आपको टाइल्स की संख्या निकालना हो तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि टाइल्स की जो संख्या का फार्मूला होता है वो होता है कमरे का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं हम लोग, देखिए कमरे का क्षेत्रफल, कमरा आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो मात्रक हैं ये मीटर में है और ये जो मात्रक हैं ये सेंटीमीटर में है, तो ऊपर कमरे का क्षेत्रफल लिखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई हमें करना ही है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है, लेकिन ये मीटर में है इसलिए इसको सेंटीमीटर बनाना आवश्यक है। तो 100 मीटर है तो 100 मीटर को दस मीटर है तो 10 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर 10 और गुणे कर देंगे 100, ठीक है। अब 3 मीटर है, 3 मीटर है, सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 100 का गुणा करना ही पड़ेगा, तो ऊपर वाली संख्याएं होगी सेंटीमीटर में, नीचे वाली संख्याएं कितनी है 15 गुणे 8, तो ये सेंटीमीटर में, इसमें आपको गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कुल मिला के आपका सेंटीमीटर में पूरा प्रश्न कन्वर्ट हो गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15 हो गया, 5 2 10 हो गया और 2 4 8 हो गया, 4 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 25, 25 बार कटेगा, ये 25 ये बचा है और 2 जीरो यहाँ से पीछे बचे हैं, 2500 कहाँ पर है, 2500 आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा।
तो ठीक है, इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके लिए अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है उस प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर आप सभी लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई बुक मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत 100 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया अथवा 150 रुपया होती है, और इसमें आपको 15 अथवा 20 प्रैक्टिस सेट ही आपको मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको 15 से 20 प्राप्त करने के लिए लगभग 150 रुपया खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप मात्र 100 रुपया खर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 किताबें खरीद के लाएंगे तो आपके लगभग 1.5 से 2 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। तो 1.5 से 2 हज़ार रुपया या इतना ज़्यादा रुपया खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर खरीद लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक उसमें PDF दिए जाएंगे। आप समझ लीजिए, अब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हम लोग बता नहीं सकते हैं ओपनली, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है उन प्रैक्टिस सेट से। तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर आप सभी लोग जरूर खरीदिए। ठीक है ना भैया, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।